असलमैलिकम शवी आपसे मुखातिब हूँ आज गुजरा वाला में एक कॉलेज के बाहर पाकिस्तान के हीरोज़ इस्लाम के हीरोज़ की तस्वीरें लगी हुई थी टीपू सुल्तान मोहम्मद बिन कासम कायद अलामा इकबाल और बीच में वो डॉक्टर अब्दुलसलम की तस्वीर भी किसी ने डाल दी थी तो हमारे नौजवान गए उनके प्रिंसिपल को बताया कि यार डॉक्टर अब्दुलसलम की हकीकत क्या है तो प्रिंसिपल ने कहा बिल्कुल ठीक है आप हटा सकते हैं तो हमारे नौजवानों ने जाके उसके मुंह पे कालक मल दिए डॉक्टर अब्दुल सलाम की तस्वीर पे जिस पे सोशल मीडिया पे सारे लोग जो कुछ इस तरह के हैं बेचारे जिनको पता नहीं है उनका कसूर नहीं है जो कहते हैं कि यार इसको इसकी तस्वीर के साथ ऐसा क्यों किया गया आप लोग तो एक्सट्रीमिस्ट हैं मेरे भाई हम लोग एक्सट्रीमिस्ट नहीं है मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि एक्सट्रीमिस्ट है कौन पाकिस्तान से बेवफाई किसने की अल्लाह जिंदगी डॉ अल्ला जिंदगी दे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को ज़रा जाइएगा और उनसे पूछिएगा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबसे बड़ा मुखालिफ कौन था तो जवाब आएगा डॉक्टर सलाम था सिर्फ पूछिएगा कि कौन सा शख्स था जिसने 1973 और 74 के बाद ये कहा था कि मैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के जूते की नोक पर रखता हूँ नाउजिल्ला जब वहाँ पर कादयानी या गैर मुस्लिम फितना करार दिए गए थे ये अल्फाज भी आपको जवाब मिलेगा कि डॉक्टर अब्दुलसलम के ही अल्फाज थे ये भी पूछिएगा कि जब ख़त्म नबूत का ये आइन पास हुआ और कादियानी गैर मुस्लिम फितना करार दिए गए तो पाकिस्तान से एहतजाजन मुल्क छोड़ के कौन गया बगावत करके तो जवाब आपको मिलेगा वो डॉक्टर सलाम था ये भी पूछिएगा कि जब हमारा एक सदर ममलिकत मुल्क से बाहर गया अमरीका और किसी ने उसे धमकी दी कि तुम लोग एटमी क़वत बन रहे हो और हमें पता है और उसने कहा नहीं जी हम इस तरह कुछ भी नहीं हो रहा और वो अंडरग्राउंड हमारे उस दौर में काम हो रहा था ओपनली नहीं हो रहा था तो उसने सारा मॉडल दिखा दिया सामने कि ये तुम्हारे एटमी क़वत का एटॉमिक पार्क का मॉडल है मेरे सामने अमेरिका ने दिखाया तो वो हैरान हो गया कि ये यहाँ तक पहुँचा कैसे और जब वो उस दफ्तर से निकल के बाहर आ रहा था तो उसने देखा एक दरवाजे के पीछे एक शख्स छुपा हुआ था जिसका नाम डॉक्टर अब्दुलसलाम था जो कि पहले से वहाँ पर मौजूद था लिहाजा कोई भी बात करने से पहले सोचा करें हमने भी स्कूल से पढ़ा फिर कॉलेज से पढ़ा फिर यूनिवर्सिटी से पढ़ा ये जो स्टूडेंट्स जिन्होंने जाके उसके मुंह पे कालक मली भी थी वो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में थे के पढ़े हुए थे और वो शख्स जिसने कहा कि मैं मर जाऊं तो मुझे कादान में दफन किया जाए रब पाकिस्तान में दफन ना किया जाए वो शख्स भी डॉक्टर अब्दुलसलम था कि मुझे हिंदुस्तान में दफन किया जाए उसकी यह वसीयत थी और आप समझते हैं कि यह पाकिस्तान का हीरो है आपकी हैरत है मुझे आप लोगों पे खैर इंडियन एसेप्ट नहीं किया और वो पता नहीं कहाँ जा के दफन हुआ और उस पाक ज़मीन को उसने नापाक किया लेकिन ओवरऑल ये देखा जाए कि हम मुहब वतन पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करने वाला कोई भी शख्स हमें तो कभी मंजूर नहीं है और जो कोई सड़ता है हमें बहुत दिल में ठंडक महसूस होती है